बीकानेर में भाजपा का जनाक्रोश महाघेराव है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल पहुंचे हैं, सीपी जोशी जो नए अध्यक्ष बने हैं वो यहां पर आ ही रहे हैं। साथ ही साथ अर्जुन मेघवाल पर एक और जिम्मेदारी प्रदेश भर में है, प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं की जिम्मेदारी उनको दी गई है। सबसे पहले हम जन महाक्रोश से शुरू करते हैं, आप लोग जनाक्रोश को लेकर महाघेराव कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ही कहते हैं कि हम तो महंगाई और राहत प्रदान कर रहे हैं महंगाई में। देखिए, कांग्रेस तो सड़कों पे लड़ रही है, ये सबको ही पता है। और कल जो वाक्या हुआ, आज सारे मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट है, उसने छापा है कि ये है मानेसर रिटर्न। तो लड़ाई एकदम साफ नज़र आ रही है जी, वो तो लड़ रहे हैं, कोई काम उनसे हो भी नहीं रहा है और शायद तो होगा भी नहीं इन परिस्थितियों में। इसलिए डेवलपमेंट और जो गवर्नेंस गायब हुआ है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है कि हम हर जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश महाघेराव करेंगे। आज ये बीकानेर में है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी इसके लिए आ रहे हैं। और अशोक गहलोत अभी भी गाहे भगाए मानेसर ले जाने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हैं कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। ये सचिन पायलट साहब कांग्रेस के आदमी हैं या किसी और के आदमी हैं, वो अशोक गहलोत साहब से आप पूछ लीजिए कि वो कांग्रेस में है या नहीं है, ये उनसे ही पूछना चाहिए, सवाल उनसे बनता है। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि चुनावी साल है और जिस तरह से भाजपा गियर मोड में है, लगातार आप लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों पर भी सवाल उठा रहे हैं, और चूंकि आपको जिम्मेदारी है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की जो भी सभाएं होनी है उनको आप देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, अशोक गहलोत कहते हैं कि मोदी जी आएंगे कोई ना कोई बहाने से आएंगे और क्या क्या बोलेंगे, झूठ बोलेंगे और जनता को बगलाएंगे, लेकिन जनता बगलेगी नहीं। अब आप देखिए, आपके मोदी जी आदिवासी क्षेत्र में आ गए, मोदी जी गुजर बेल्ट में भी चले गए, मोदी जी मीना बेल्ट में भी आ गए, मोदी जी ने एक डेवलपमेंट का काम वंदे भारत शुरू किया ट्रेन का, उसमें जो घटनाक्रम घटा उसको लेकर के अशोक गहलोत जी ने कुछ तंज कसा होगा। वो अशोक गहलोत जी के, मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा करना चाहिए। उन्होंने पीएम साहब ने इतना ही कहा कि गठबंधन की सरकारों में एक मजबूरी थी रेलवे को किसी और गठबंधन के सहयोगी दल को देने की, तो वहाँ राजनीति ज़्यादा होती थी, इसलिए रेलवे में भ्रष्टाचार बढ़ गया। उन्होंने क्या किया अशोक गहलोत जी ने, जगजीवन राम से लेकर के ललित मिश्र से लेकर के सारे रेल मंत्रियों के, अभी आप स्टेटमेंट भी गहलोत साहब आपको पढ़ना नहीं आता है क्या? उनका गठबंधन सरकारों का स्टेटमेंट था और मैं तो साक्षी हूँ जी, जब 2G घोटाला हो रहा था तो कुछ लोगों ने मनमोहन सिंह जी से पूछा कि आप ए राजा को हटा क्यों नहीं देते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं, ये गठबंधन सरकारों की मजबूरी है इसलिए मैं नहीं हटा पा रहा हूँ। इसका मतलब मनमोहन सिंह जी भी बेबस से यही बात कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, उसको वो उल्टा ले जा रहे हैं। मोदी जी बार बार अशोक गहलोत से मित्रता की बात करते हैं और अशोक गहलोत उसके नकार देते हैं, ये क्या समीकरण है? मानगढ़ धाम में भी उन्होंने कहा, आपके ध्यान में सब, उन्होंने कहा भी जितने लोग बैठे हैं मंच पे उसमें ये सबसे पुराने मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें गलत क्या है, गलत क्या कहा? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी को प्रधानमंत्री जी की जो भाषा कही हुई है उसी पे ही टिप्पणी करनी चाहिए, अलग से जाकर के करते हैं वो अच्छा नहीं लगता जी। आखिरी सवाल, मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव में भाजपा की तरफ से, क्या लगता है आप? देखिए, हम भाजपा के लोग एक ही पैरामीटर पे पूरे देश में हमने जो एजेंडा तय किया है, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये हमारे दो पैरामीटर रहेंगे, इसके आधार पर ही पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है। राजस्थान में यही मुद्दे रहेंगे, इन्होंने गायब कर दिया, हम लाएंगे, जनता को सुशासन देंगे, राहत देंगे। बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस जो है मुद्दा रहेगा, उसी पर हम चुनाव लड़ेंगे, इन्होंने इन मुद्दों को गायब कर दिया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनावी साल में भाजपा कोशिश कर रही है कि मुद्दों पर कांग्रेस को घेरे और इसी के तहत नए जो प्रदेशाध्यक्ष बने हैं उनकी अगुवाई में जनाक्रोश महाघेराव हो रहा है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।